नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक। आप देख रहे हैं ये न्यूज़ 16 की तस्वीरें। आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ सुरेंद्र कौशिक को जगह पर यहां आवेश लिए जा रहे हैं। विधानसभा से नॉमिनेशन करने वाले हैं और अपने समर्थकों के साथ भारी भीड़ के साथ बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो उनके नेता हैं उनके साथ यहां पे आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। और पीछे तक आप देखेंगे, आगे देखेंगे तो चारों तरफ भारी भीड़ का यहां पे माहौल है। गाड़ियों की भीड़ आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ आप यहाँ देख सकते हैं, लंबी भीड़ का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों, अभी सुरेंद्र कौशिक जो पूर्व जिला प्रमुख है उसके घर पे हैं और आज नॉमिनेशन की वीडियो मैंने आपको दिखाई है। काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इधर दिखा दें एक बार, गाड़ियों की जो भीड़ है, लंबी भीड़ यहाँ पे आई है, मतलब समर्थक हैं भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे। लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या हाल है जी? बढ़िया जी, प्रदीप जी, बढ़िया बढ़िया। साहब के नॉमिनेशन के लिए आ गया? बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, तो मतलब कैसा कैंडिडेट है सुरेंद्र कौशिक? सुरेंद्र कौशिक जी फिलहाल तो टॉप चल रहा है जी, फिलहाल चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आज नॉमिनेशन है, आज भारी भीड़ है, भारी जो मतलब जलसा लेके चल रहे हैं सुरेंद्र कौशिक जी। पूरी भीड़ के साथ? पूरी भीड़ के साथ। लग रहा है कि भी सीट निकाल सकते हैं? आपकी बात चेंज होगा, बदलाव होगा महेंद्रगढ़ में, एक बढ़िया बदलाव होगा। बढ़िया बदलाव, बढ़िया जोश के साथ। फौजी साहब कैसे हो? बढ़िया साहब, ठीक हो? 100%। कैसा माहौल आज का? बहुत बढ़िया माहौल है, गाड़ी पार है। अच्छा, कैसा व्यक्ति है सुरेंद्र कौशिक? बहुत अच्छा आदमी, हम तो आज से नहीं जब पढ़ता तब से साथ साथ हैं। अच्छा, दोस्त है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं बदलाव बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव तो है, ऑटोमेटिक हो जाएगा अभी बार। 20 साल से तो हम तो इनके साथ रह रहे हैं, इधर ही हमारा घर है, पड़ोसी है, हर साइड से इनके साथ हैं और अच्छी हवा है, सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है, कब की बार बातचीत पार हो जाएगी भाई? होनी तो चाहिए, हो जाएगी। लग रहा है आपको कि लगभग? हाँ भाई, अभी वोटों के बारे में तो गठबंधन से फायदा होगा? गठबंधन से तो फायदा होता ही है, होता है। अभी आप अकेले हैं ना, मैं आपके साथ जाके दो काम करोगे तो वो ही लगा लो आप, तो किमी तो कुछ फायदा ही होगा, फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, तो बन सकती है बात। हाँ, बड़ा ही बात है। नमस्कार सर, यहीं से हैं? हाँ जी, महेंद्रगढ़ से हैं जी। कोशिश जी के बहुत अच्छा माहौल है जी, इनेलो और बसपा मिलके बाजी पार करेंगी। हाँ जी, यहाँ से कौशिक साहब बड़े भारी अंतर से जीतेंगे। आज नॉमिनेशन का दिन है। हाँ जी, काफी भीड़ है जी, आप देख रहे हो। वैसे भी साहब अच्छा नेचर पहले से भी बढ़िया है, ये बगैर उसमें रहते हुए भी लोगों के काम कराते हैं, वो भी हम देखते हैं। काम करते हैं? हाँ, काम उनका करते हैं, करते हैं, काम करे है जी। हाँ जी बिल्कुल, जो काम के साथ खड़े रहते हैं, पता नहीं हो तो भी जाके काम कर देता है ऐसा आदमी है। समाज सेवी है, शुरू से ही गौ सेवक है, समाज सेवक है और हर लोगों के दुख सुख में काम आता है। जैसे गलियां हैं, लाइटें हैं, इस तरह के काम तो ये चुटकियों में करवा देता है। तो हाँ जी, के बाद तो करवाएगा, करवाए करवाएगा जी, और बदलाव होना भी चाहिए। जनता चल रहे हैं, आईएमटी बन जाएगी, हो जाएगी ये, बनने के बाद करवा देंगे। जब जिला प्रमुख थे तब भी इन्होंने बहुत काम किए, लोग बता रहे हैं और आपने देखे भी होंगे। और अब जो एमएलए बन जाएगा, सारे काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम यहीं से हैं जी, महेंद्रगढ़ से ही। हाँ जी, कैसा माहौल चल रहा है? काफी अच्छा माहौल है, काफी समाज सेवक हैं, काफी अच्छे काम करवाते हैं कौशिक जी, और इनकी काफी अच्छी लहर चल रही है और अच्छी जीत होगी। अच्छी जीत होगी? हाँ जी, भारी मतों से जीत होगी। भारी मतों से जीत होगी जी, लोगों का प्यार है आपकी बात। हाँ जी, देखो जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही, महेंद्रगढ़ के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, आप सड़कों का हाल देख सकते हो क्या है। और कल जो कि पूरे आप बाजार के अंदर जाके देख सकते हो, कोई भी हमको तो ऐसा रोड नहीं है जो सही है,
रोड भी सही नहीं बना सके, कोई नहीं। हाँ जी बिल्कुल, लग रहा है कौशिक साहब बनने के बाद करवाएंगे। हाँ जी, ये जिला प्रमुख थे, इन्होंने गांव गांव में सोलर ऊर्जा की लाइट लगवाई और ये काफी युवा साथियों का काम किया। हमारे गांव के अंदर जिम नहीं थी और जिम का बहुत योगदान दिया कौशिक जी ने। हाँ जी बनेगी बात। हाँ जी, पूरे जोर शोर से तन मन धन से युवा साथी काफी साथ हैं और युवाओं में जोश है, अब की बार कौशिक जी को जिताएंगे। अभी युवा में जोश है, अब की बार कौशिक साहब को जिताएंगे। और देख सकते हैं समर्थक यहाँ पे बहुत सारे खड़े हैं और सुरेंद्र कौशिक हर जगह यहाँ पे हो रही है और भी लोग बाबा से बात करते हैं। बाबा राम राम। ठीक सो। हाँ जी। कौन सा गाँव अपना? मालडा जी। मालडा। हाँ जी, तो मालडा कौशिक का नारे है। हाँ, तो आज नॉमिनेशन है। हाँ, केला के भी चुनाव कठिन जाएगा। चुनाव ठीक ही जाएगा जी, कोशिश का कमाई जाए ना। हाँ, जाओगा जब आओ गाँव वोट मांगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, नहीं क्यों। हाँ सर। अच्छा। हाँ जी। हाँ बाबा। अच्छा, मालडा ही गाँव? मालडा। अच्छा, तो सपोर्ट में आ गया कोशिश में। ठीक आदमी है। ठीक, एक नंबर काम बनाएगा। जब काम करेगा, काम खूब करेगा। देख, जिला प्रमुख रहे जब हुआ, जब भी तगड़ा करया था, तगड़ा करया तो। हर आगे कोई ना करया, आज तक आगे भी नहीं करया आज तक। हर एम एल ए बने तो देखिए भाई, तगड़ा काम करे वो तो। पर देख लो, लोग ये कह रहे हैं कि भाई तगड़ा काम जिला प्रमुख बना तब करे थे और तगड़ा काम अगर एम एल ए बनता है तो भी करेंगे। तो भीड़ का माहौल आप देख सकते हैं, चारों तरफ तगड़ी भीड़ है और अभी इनका नॉमिनेशन है। तो आगे हम चलते हैं, आगे लोगों से मिलवाएंगे। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज सेक्शन के साथ। दोस्तों 148 बी पे हम मौजूद हैं और जो जाता है नारनौल से बादली की तरफ बाइक रैली देख सकते हैं लगे हुए हैं। यहाँ पे और मौजूद और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरेंद्र कौशिक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और बसपा पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो यहाँ पे अपना नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। और देख सकते हैं भारी भीड़ का यहाँ पे माहौल है और पीछे तक आप देखें गाड़ियों का जो जाम है, गाड़ियां जो है समर्थन में इतने समर्थक आए हैं कि पूरी सड़क पे सुरेंद्र कौशिक की गाड़ियां हैं। देख सकते हैं पीछे तक आप जो बड़ा काफिला यहां पे सुरेंद्र कौशिक का पहुंचा है और प्यार दिखाया है आज जनता ने इनको लेके कि भाई आपको हम वोट देंगे और सपोर्ट के लिए तैयार लोग हैं। और आज नॉमिनेशन इनका है, 5 अक्टूबर को आप सबको वोट डालना है जिससे आप अपना विधायक चुन पाएंगे। ये वीडियो लाइव 148 बी सड़क से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आगे चलेंगे सचिवालय में जहां पे एसडीएम साहब के समक्ष अपना ये नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज 16 के साथ।